आपको क्या तकलीफ थी, उसमें आपको कुछ फायदा हुआ या आपको कुछ अच्छा नहीं लगा है तो भी आप सजेशन कर सकते हैं। तो आपका ये अनुभव YouTube पे जाएगा, पहले गुरु जी के पास जाएगा, फिर ये YouTube पे जाएगा और YouTube के जरिए आप कई लोगों का जीवन बदल सकते हैं। क्योंकि आज फास्ट है जमाना, पूरा मोबाइल यूट्यूब, यानी कि जो जो लोग हम तक नहीं पहुंच पाते हैं वो यूट्यूब के जरिए आपका अनुभव अगर सुनेंगे, अपने घर पे भी वो शुरू कर देंगे, तो कई लोगों का जीवन बदल सकता है और दर्द रहित, दवा रहित दुनिया, जो हमारे गुरु जी का ख्वाब है कि दर्द रहित और दवा रहित दुनिया बने, उसमें आपका ये मामूली प्रयास होगा और यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। तो आप सब आए एक-एक करके, तो आपका अनुभव हम लेंगे। बस 2-5 मिनट का है। पहले हम जेसिका बेन पटेल को इनवाइट करते हैं जो न्यू जर्सी से आए हैं, और उनको क्या तकलीफ थी और कैसे वो क्योर हुए, फिर आप एक-एक करके आएंगे। सबको जय श्री कृष्ण। आज मैं वैसे 2015 से इस साधना में जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को इतनी सारी तकलीफें थी, प्रेस में कर लगवाना था, तो मैंने फेसबुक के जरिए से वो सब कुछ देखा, बाद में चालू तो किया लेकिन आगे कैसे जाना है, फिर नंबर ढूंढा ढूंढा तो धरती बहन का नंबर आ गया। धरती बहन ने को कॉल करके वैसे ही बोला कि वैसे सिस्टम तो चालू कर दीजिए, डॉक्टर ने बोला था कि प्रेस में दर्द लगवाना ही पड़ेगा इसको। 3 वीक हुए, एवरी वीक हम लोग इसको हॉस्पिटल ले जाते थे, फिर 2 वीक के बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आंटी आप क्या कर रहे हो अंकल को। मैंने बोला कुछ नहीं, वैसे ही एक सिस्टम है तो फेसबुक में से मिली है तो वो करता है। तो क्या आज इसका कार्यक्रम बहुत अच्छा आया है, सिर्फ 2 वीक के अंदर इसका हार्ट बीट इतना बढ़ गया था कि आप बाजू में बैठे हैं तो भी इसको इसकी आवाज़ हमको सुनाई देती थी। इतने सारे मशीन लगा कर रात को सोते थे, तो बोला तेरे को कुछ करना है तो कह नहीं, मैं तो वैसे दवाई खाऊंगा और करूँगा। मैंने सोचा कुछ नहीं, मैंने चालू की है इसके जरिए, मैंने चालू की, मेरे को कुछ नहीं हुआ था, तो भी थोड़ा साइड में थायराइड आता था तो मैंने करा था, मेरे को अच्छा लगा। तो 2 वीक के बाद बोला कि ला आज मैं एनिमा लूँ, तो एक दिन एनिमा लिया, दूसरे दिन लिया, तीसरे दिन नहीं लिया, तो भी जूस पीता था थोड़ा थोड़ा। बाद में 2 वीक के बाद इसने इतने अच्छे से किया कि इसको ऐसा ही लगा था कि मेरे को कुछ करना है तो मैं हो जाऊँगा। तो 2 वीक के अंदर डॉक्टर ने बोला कि आज इसका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आप वो सिस्टम चालू रखो, एंजियोग्राफी करवानी थी, वो सब 3 महीने के बाद की तारीख थी, तो 3 महीने के बाद हमको जाना ही नहीं पड़ा। एक टेबलेट थी कि इसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में दाखिल करते ही वो बंद कर दी थी, लेकिन वो मैंने अपने आप घर में इसकी दवाई बंद कर दी। 9 टेबलेट हर रोज की लेते थे, तो 3 टाइम की 9 9 करोड़ नहीं लेते थे। अभी इसको वैसे ही वो हुआ है कि मेरे को बाईपास करा है तो 3 गोली डॉक्टर ने बोला है, इसके हिसाब से वो 3 गोली ऐसे माइंड में फिट हो गई है तो 3 गोली लेनी है इसको। तो डॉक्टर ने बोला कुछ जरूरत नहीं, तो भी वो खाता है, लेकिन वो पेसमेकर पूरा है। उसके बाद 2021 मेरे को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो डिटेक्ट हुआ मैंने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट किया, तो मैंने बोला कि चलो वैसे ही बोला कि सर्जरी कीमोथेरापी और बाद में लेगी सर। मैंने बोला कि ऐसे नहीं जाना है, डॉक्टर के पास मैं 3 महीने बाकी, धरती बहन से वो बात हुई। मैं यहाँ इसका पहला सेमिनार
तभी मेरे को मिली ही नहीं थी, फोन पे ही पाया 2015 से 2021 तक मैं फोन पे ही पाया। तो जून में अल्टोड़ा में इसका सेमिनार हुआ, तो जून में डायरेक्ट एयरपोर्ट से अल्टोड़ा गई, 10 दिन का सेमिनार हो गया। 3 महीना मैंने जूस और 1 दिन जूस दे दी, 1 दिन फास्टिंग कर दी और 10 दिन का फास्टिंग कंटिन्यू किया। निर्जल कुछ नहीं, और खाना तो छोड़ ही दिया था कि बस आपको लाइक नहीं कर, वो एनडीएस में जाना है तो खाना छोड़ दिया पूरा, जूस कर देते और 3 महीना सारा खाया वैसे फास्टिंग करती थी वैसा। तो 3 बार इस दौरान मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो जो उनकी साइज थी आधी हो गई, जो सेल था वो सेल की साइज आधी हो गई। और डॉक्टर वहाँ जाके यूएस में जाके फिर करवाया तो डॉक्टर बोले कि पूरा चेहरा तो स्प्रेड हो गया है, तो पूरे ब्रेस्ट में वो ब्लैक हो गए थे, जो सेल्स सही हुए थे उसका अंदर असर तो पूरा तो क्लीन बॉडी तो होता नहीं, तो बोला कि वो ब्लैक हो गया है तो तेरा स्प्रेड हो गया है, तो उनको फिर से बायोप्सी करवाई, तो बायोप्सी नेगेटिव आई। तो बोलता था अभी सेल तेरा हो तो सेल मेरे को बाहर निकाल कर इसकी बायोप्सी करवानी, तो सर्जरी की बायोप्सी फिक्स की तो भी नेगेटिव, 6 महीने में पूरा कैंसर। तो एमबीएस में सभी को ऐसे ही क्यों